नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में हालात सामान्य रखने के लिए लगाई गई पाबंदियों पर हाय तौबा मचाने वाले इमरान खान की हुकूमत का सच एक बार फिर सामने आया है। पीओके में इमरान खान की पुलिस पीओके में रहने वाले कश्मीरियों पर गोलियां चला रही है। पीओके पर यह सच्चाई ऐसे वक्त में फिर से सामने आई है जब एक तरफ यूएनएचआरसी में पाकिस्तान कश्मीर पर प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए बेताब है और दूसरी तरफ एफएटीएफ आतंक के खिलाफ उसके एक्शन की स्क्रूटनी कर रहा है। लेकिन आतंक के फ्रंट पर भी पाकिस्तान के एक्शन की हकीकत क्या है, ये कश्मीर में सामने आ रहे आतंकियों के पर्चों से उजागर हुई है। आतंकी संगठन अल बदर ने कश्मीरियों को दुकानें नहीं खोलने देने की धमकी दी है। ये धमकी बताती है कश्मीर में शांति से पाकिस्तान परेशान है। इसलिए आज हम सवाल कर रहे हैं औरों को नसीहत, क्या इमरान नहीं है खुद मियां फजीहत? आज का दंगल होगा इसी बात पर। बताएंगे आपको मेहमान कौन कौन से हैं, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। इंतजामिया ने मोटरसाइकिल को आग लगा दिया, अब हम मजबूर हो गए हैं कि हम इन पर पथराव करें। ये पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला कश्मीर है, जहाँ की चीखों और चिल्लाहटों में पाकिस्तानी हुकूमत की हकीकत दर्ज है। पुलिस की शेलिंग, जो एजके पुलिस ने पहली शेलिंग शुरू कर दी, अब हमारे नौजवान जो जे लोग यहाँ पर झाड़ियों में छुप कर हम पर शेलिंग कर रहे थे। कश्मीर पर भारत को नसीहत देने वाले पाकिस्तान ने अपने अवैध कब्जे वाले हिस्से के कश्मीरियों का हाल क्या बना रखा है, ये उसी की निशानियाँ है। इंतजामिया ने मोटरसाइकिल को आग लगा दी है। और जब जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का 42वां सत्र शुरू हुआ है तो ऐसी ही तस्वीरें पाकिस्तान को आईना दिखाने के लिए काफी। के साथ जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है, जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है। ये हम इनको अपना कहते थे, आज गैरों से भी ज्यादा इन्होंने हमारे साथ जुल्म किया। यूएनएचआरसी की बैठक में भारत कश्मीर पर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का जवाब देने के लिए भी तैयार है, लेकिन पाकिस्तान को आतंकवाद के फ्रंट पर घेरना सबसे जरूरी है। अनुच्छेद 370 हटने के बावजूद कश्मीर में जब शांति है तो पाकिस्तान के पाले आतंकी लोगों को डराने धमकाने में लगे हैं। श्रीनगर शहर के साथ साथ कश्मीर के कई इलाकों में बदर के पोस्टर नमूदार हुए हैं। इन पोस्टरों पर लोगों से कहा गया है कि वो दुकानें बंद रखें, किसी तरह का व्यवसाय न चलाएं और पूरी तरह से हड़ताल करें, और उसका असर कश्मीर में दिख भी रहा है। यहां तक कि लोगों से यह भी कहा गया है कि वो पुलिस जो पुलिस के अधिकारी हैं उनके परिवारजनों का बहिष्कार करें। कश्मीर में आतंकवादियों ने पहले भी ऐसे पैम्फलेट बांटे थे। वैसे आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा पाकिस्तान अपने ही बुने जाल में घिर चुका है। बैंकॉक में पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ अपने एक्शन का सबूत देना है। आतंक को रोकने के लिए एक्शन प्लान में नाकामी उजागर हुई है और अक्टूबर तक उसके एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में जाने का खतरा है। ये हाल तब है जब पाकिस्तान आर्थिक तौर पर कंगाल है। पेशावर में एक निवेश सम्मेलन में बेली डांस का परफॉर्मेंस आयोजित करने पर खुद पाकिस्तान का सोशल मीडिया पाकिस्तान से सवाल कर रहा है। इस्लामाबाद से हमजा और दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बताएं कि दंगल में कौन कौन से खास मेहमान हमारे साथ हैं, उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है। भारतीय सेना ने घुसपैठियों को पाकिस्तानी मदद का खुलासा करने वाला एक वीडियो जारी किया है। अगस्त के पहले हफ्ते में 4 से 5 आतंकवादी उस समय मारे गए थे जब वो भारत में घुसपैठ की कोशिशें कर रहे थे। इन्हें पाकिस्तानी सेना की बैच टीम मदद कर रही थी। जी हाँ, ये आपको बता दें कि आज भारतीय सेना ने वीडियो जारी किया है। 5 पाकिस्तानी घुसपैठिए भारत में उस समय मार गिराए थे और ये वीडियो इस बात की तस्दीक करता है कि कैसे पाकिस्तान की बैट टीम आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ करने के लिए मदद करती है। मंजीत नेगी मेरे सहयोगी इस समय और जानकारी लेकर हमारे साथ आ गए। मंजीत, बताइए विस्तार से। पहले इसकी तस्वीरें हमारे सामने आई थी जब भारत भारतीय सेना ने पाकिस्तान को ये 4 से 5 आतंकी और एसएसजी कमांडो के शव लेने के लिए कहा था, लेकिन कई दिनों तक ये शव पड़े रहे और अब इसका एक वीडियो हम देख सकते हैं। एक वीडियो साफ तौर पर दिखा रहा है जो कि आर्मी के टॉप कॉप्टर से शूट किया गया है। उसमें साफ तौर पर पूरी तस्वीर एक तरह से साफ हो जाती है कि किस तरह से
एक बैट एक्शन की कोशिश अगस्त के पहले हफ्ते में एसएसजी कमांडो के साथ मिलकर पाकिस्तानी आतंकियों ने की थी, जिसमें 4 से 5 एसएसजी कमांडो मारे गए। उनकी साथ उनका वीडियो देखा जा सकता था, ये इंडियन आर्मी के कॉप्टर से बनाया हुआ वीडियो है, तो साफ तौर पर पूरे घटना की तस्दीक करता है धारोहित। और यहाँ पर सबसे खास बात की कश्मीर में धारा 370 खत्म होने के बाद से 100 के आसपास एसएसजी कमांडो का पाकिस्तान ने खासतौर से लॉन्ग पेट्रोल पर तैनात किए थे, जो कि आतंकियों को बैट एक्शन में और घुसपैठ में मदद कर रहे थे। उसमें से अभी अगर हम बात करें पिछले एक महीने में, तो 10 से ज्यादा एसएसजी कमांडो इस घुसपैठ के दौरान जवाबी फायरिंग में, भारतीय सेना की जवाबी फायरिंग में मारे गए हैं। और अभी भी बड़ी संख्या में पाकिस्तान के 80 से 90 एसएसजी कमांडो मदद कर रहे हैं, और उसी की ये पुष्टि, उसी की तस्दीक करता हुआ वीडियो साफ तौर पर दिख रहा है। 5 शव नजर आ रहे हैं एसएसजी कमांडो को। शुक्रिया मंजीत फिलहाल जानकारी देने के लिए। मंजीत नेगी बता रहे हैं कि इन हालात में ये पूरा एनकाउंटर हुआ था, उस वक्त भी ये बातें सामने आई थी, और आज भारत ने उसका एक वीडियो जारी करके तस्दीक कर दी है, एक बार फिर से पूरी दुनिया को दिखा दिया है कैसे पाकिस्तान की बैड टीम मदद करती है घुसपैठियों की भारत में घुसने के लिए। गौरव भाटिया हमारे साथ आ गए हैं, वो बीजेपी के नेता और प्रवक्ता हैं। मोना आलम हमारे साथ आएंगी, वो पाकिस्तान से आज दंगल का हिस्सा बन रही है। मोना आलम पाकिस्तान की पत्रकार है। नुसरत अमीन हमारे साथ होंगे, वो भी पाकिस्तान से आते हैं, पत्रकार हैं वहां के। मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी हमारे साथ होंगे, वो रक्षा विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले मोना आलम, एक तरफ पीओके की तस्वीर आज हम देख रहे हैं जहां पाकिस्तानी फौज और पुलिस लोगों को मार रही है, गोली चला रही है उन पर, और दूसरी तरफ आज पूरा पाकिस्तान इस बात का इंतजार कर रहा है कि यूएनएचआरसी में जाके पाकिस्तान कश्मीर पर कितनी मजबूती से अपनी बात रखता है। मजबूती रह कहां जाएगी जब ये पीओके का वीडियो सामने आ रहा था? जी शुक्रिया रोहित जी। देखिए मैंने काफी देखा है सोशल मीडिया पे, आज या कल से मेरा ख्याल है शुरू हुआ है, आप ही के साइड से कुछ इंडियन अकाउंट्स हैं, आपके कुछ एडिटर्स हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं जो ये वीडियो एक पोस्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ पर पाकिस्तान में बैठ के मुझे इसकी ऑथेंटिसिटी का, मैं इसको अपने एंड पे वेरीफाई नहीं कर पाई। मैंने बहुत कोशिश की, पहले मैंने आपके एंड पे देखा, मैंने दूसरे एंड पे देखा, ना बीबीसी ना अल जजीरा ना सीएनएन किसी ने इसको कवर नहीं किया, सिवाय आप लोगों के, आपके जर्नलिस्ट आपके एडिटर्स जिन्होंने ट्वीट्स किए हैं। हो सकता है सच हो सकता है गलत हो, मेरे पास इसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं है। बात यह है कि ये मसला वंस एंड फॉर ऑल हल होना होगा, पाकिस्तानी एंड पे भी और भारत के एंड पे भी। भारत के एंड पे तो द हिंदू का एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आज ही आया है, आपका अखबार है मेरा नहीं है, तो उसी में लिखा हुआ है कि यूएस अब स्टेट डिपार्टमेंट ने भी सख्त किस्म की कंसर्न्स का इजहार कर दिया है, जो इंडियन ऑक्यूपाइड जो आपके हिस्से का कश्मीर है, जम्मू है, वहां पर जो इस वक्त ह्यूमन राइट्स की वायलेशन चल रही है उसके हवाले से अब यूएसए को सख्त कंसर्न्स आना शुरू हो गए हैं, और द हिंदू ने इसके ऊपर बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली एक आर्टिकल लिखा है। देखिए बात यह है कि ये किस्सा वंस एंड फॉर ऑल असल में खत्म होना होगा। दोनों हिस्से के जो जम्मू है कश्मीर है उनका मकसद यही है कि आप वहां पर रहने वाले लोगों से पूछें, हम डेमोक्रेसी अपने आप को कहते हैं ना, आप भी अपने आप को डेमोक्रेसी कहते हैं, हम भी अपने आप को डेमोक्रेसी कहते हैं, पाकिस्तान इसके लिए विलिंग है कि वहां पर एक रेफरेंडम हो, वहां पे एक प्लेबिसिट हो और उसके जरिए तय किया जाए कि लोग वहां के क्या चाहते हैं, आपकी तरफ के भी लोग क्या चाहते हैं। मुझे पता है उसके ऊपर एक आप लोगों का एक हमेशा पॉइंट आ जाता है जब भी मैं किसी इंडियन डिबेट में होती हूँ कि प्लेबिसिट अगर करवाना है तो उसकी पहली शर्त यह है कि पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर से फौजें हटाई जाए। देखिए दोनों साइड से अल्टीमेटली बिल्कुल पहला क्लॉज बेशक वो होगा, लेकिन अल्टीमेटली दोनों साइड से फौजें हटनी है, जितनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको पीछे जाना है, वहां पर किसी किस्म की फॉरेन ऑक्यूपेशन, किसी किस्म की फॉरेन इन्फ्लुएंस, क्योंकि अगर आप यूएन चार्टर के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान को भी वो लोग फॉरेन इन्फ्लुएंस कहते हैं, आपको भी फॉरेन इन्फ्लुएंस कहते हैं। दोनों को हटना होगा और वहां के लोगों को ये तय करने का हक देना होगा अगर हम अपने आप को वाकई डेमोक्रेसी कहते हैं कि वो कहां जाना चाहते हैं। ये ना हो कि वहां पर एक हुकूमत आई हुई है, वहां पर हसीना जी की हुकूमत है, तो वहां पे तीन बड़ी परिस्थितियां, थोड़े दिन बाद एक आपने कर्फ्यू लगा दिया, 30 दिन से ज्यादा का वीडियो जिसको आपने मना कर दिया, आपने कहा क्योंकि मैंने अभी तक कहीं देखा नहीं है बीबीसी पे अल जजीरा पे, इसलिए मैं तब तक उसको मानूंगी नहीं। कुछ और आपके चैनल से उनके एडिटर मैंने रोक छोड़ दिया उसको। दूसरा अब मैं दूसरी बात कह रहा हूँ ना, साथ साथ दूसरा देखिए मैडम, फिर वही बात आ जाती है ना, आपके लिए हिंदुस्तान का मीडिया भी इंटरनेशनल मीडिया ही है, इस बात को आप समझें, लेकिन मैं उसको छोड़ दे रहा हूं क्योंकि आपने कहा वेरीफाई नहीं कर पाई है इंडिपेंडेंटली उसको, इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूं। मैंने तो कहा, अब मैं दूसरा पॉइंट उठा रहा हूं। दूसरा पॉइंट ये कि एफएटीएफ में आज आपका फैसला होना है। तीसरा ये
कि आपके देश की एक और तस्वीर, वो तो आपने वेरीफाई भी कर ली होगी, जिसको लेके मुझे उम्मीद है आपने भी अपनी सरकार को टोका होगा कि आप लोग इन्वेस्टर समिट में बेले डांस करवा रहे हैं, और उसके बाद आप ये भी उम्मीद करते हैं, आप दुनिया को जाके कहेंगे कि हम पाकिस्तानी कश्मीरियों को खिला सकते हैं, इसलिए कश्मीर हमें मिल जाना चाहिए, आपको लगता है? अच्छा, वो जो बेले डांस वाली वीडियो है, देखिए मैं, मुझे तो ये पता है वो जो तैमूर झगड़ा एक है फाइनेंस मिनिस्टर उस पर्टिकुलर प्रोविंस के, खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने तो वेरीफाई किया है कि ये अज़रबैजान में शायद इतनी सेरेमनी थी और वहां पर ये बेले डांस हुआ है। लेकिन मैं आपको जाती तौर पे कहूँ, मैं अपनी हुकूमत को तब टोकती हूँ जब मुझे लगता है कि वो लोग एक हाइपर नेशनलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। मोना जी, मैं आपको एक बात दुरुस्त कर देता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस डांस को पाकिस्तान अपना राष्ट्रीय डांस बना ले और सब लोग मिलकर डांस करें, मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन पॉइंट मैं आप ही के सोशल मीडिया से उठा रहा हूँ। जैसे आपने हिंदू का हवाला दिया, मैं आपको पाकिस्तानी सोशल मीडिया का हवाला दे रहा हूँ, जहाँ पाकिस्तानी लोग ही अपनी सरकार की फजीहत कर रहे हैं कि ये देखो ये करके ये पैसे कमाना चाहते हैं। अब बताइए वो हाइपर नेशनलिज्म है क्या पाकिस्तानियों का? मुझे लगता है वो पाकिस्तानियों का हाइपर नेशनलिज्म है। देखिए मेरा अपना ख्याल ये है, मैं इसमें अपना आपको व्यू बता देती हूँ। मुझे लगता है कि हमको ना ये जो एक रिलीजियस ग्राउंड्स पे आप एक्सट्रीमिज्म शुरू कर देते हैं, इसमें रिलीजियस ग्राउंड कहाँ से आ गया मोना जी? इसमें तो बड़ा सीधा सा, इन्वेस्टर समिट में बेली डांस करा के विदेशों से पैसे जुटाना आपको लगता है यही तरीका है? सारी दुनिया के मुल्क यही करते हैं या पाकिस्तान इसमें कोई नया तरीका ईजाद कर रहा है? आप अगर कर रही हैं तो बता दीजिए कि हमारे मुल्क ने एक नई ईजाद की है, इससे पैसे ज्यादा मिलते हैं तो अच्छी बात है, मान लेंगे। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। हम क्या यहाँ पर अपनी लड़कियों को बंद करें, हम यहाँ पर ऑनर किलिंग्स करें, हम वहाँ पर साइकिल रेसेस बंद करें कि लड़कियां बाहर निकल आई हैं तो विदेशियों के सामने नचाएं उनको, बातें लगती हैं तो विदेशियों के सामने नचाएं उनको, जहन को खुला रखना चाहिए। ये आप अगर ये डांस कर रहे हैं, आपके बॉलीवुड में भी बहुत कुछ होता है, आपके यहाँ पर आपने देखा है, अपनी फिल्में देख लें, तमाम मुल्कों को बुला के जहां वो उनसे ये चाहता है कि उनके देश में इन्वेस्टमेंट करें, वहां बेली डांस करवा रहा है। आपके अपने देश के लोग ये सवाल उठा रहे हैं मोना जी, मैंने नहीं उठाया ये, आपके अपने देश के लोग कह रहे हैं। आपने मुझे कहा द हिंदू में ऐसा छपा है, मुझे तो बुरा नहीं लगा, लेकिन मैंने आपको बताया कि आपका मुल्क बेली डांस करवा के पैसा जुटा रहा है, आपको बुरा क्यों लग गया? अगर आप इसको इतना अच्छा मानती हैं तो आप इतना तिलमिला क्यों गए इस बात से? मैंने आपको इसके एक तो मैंने इसकी फैक्चुअल एक पोजीशन बताई है कि वो अज़रबैजान था, पाकिस्तान नहीं था। दूसरा मैंने उसमें ये बताया पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं था उससे, इन चीजों पे मुझे नहीं लगता कि कोई पाबंदी, अगर पाकिस्तान का उससे कोई लेना देना नहीं था क्या? नहीं, अगर बेली डांस कर रहे हैं तो व्हाट अबाउट, उसमें क्या है? आप मतलब खुले थे क्या? आप और मैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं मैडम, ये सरहद चैम्बर ऑफ इन्वेस्टर्स पेशावर ये पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं रखता? बिल्कुल, पाकिस्तान का चेंबर है, उनके कॉमर्स और ट्रेड का जो चेंबर है हर प्रोविंस में, हमारा एक चेंबर है, शहरों में है, एक इनकी फेडरेशन भी है जिसको FPCCI कहते हैं, बिल्कुल है। तो व्हाट अबाउट इट, नहीं मतलब क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं, पाकिस्तान ही है तो वो डांस ये सवाल आपको पूछना चाहिए उन पाकिस्तानियों से जो सोशल मीडिया पे लगातार अपनी ही सरकार को जलील कर रहे हैं कि अब ये करके तुम लोग पैसे जुटाना चाहते हो, उनसे पूछे ना सवाल। तो आपने मुझसे कहा द हिंदू में ऐसा छपा है, मैंने तो बुरा नहीं माना, अब मैं आपसे कह रहा हूँ आपके लोग ट्विटर पे फेसबुक पे ये लिख रहे हैं, आप अचानक तिलमिला रही हैं इस बात से कि नहीं गलत लिख रहे हैं, क्योंकि उन लोगों का प्रॉब्लम ये है कि जब ये पिछले दौर में जब उनके पसंद के लोग यहाँ पर हुकूमत में थे, जैसे नून लीग के थे या कोई थे, मेरी पसंद का कोई नहीं है, मुझे तो सच्ची बात है मैं आपको बताऊँ, सारे सियासतदान, सारे ये जो एक एलीट्स है ना, मुझे बुरे लगते हैं। चलिए मैडम, आपने बड़ी मजेदार बात कह दी है, पिछले उनकी पसंद के और आपकी पसंद के लोग, ठीक है मैम, हमें लगता था कि जब देश की बात आती है तो देश की होती है, उसमें आप अपनी उनकी इनकी उनकी नाम पसंद अपनी पसंद कर रही है तो ठीक है। गौरव भाटिया, मैं आपको लाना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले ललित अंबरदार इंटरवीन कर रहे हैं फटाफट, जम्मू कश्मीर एक्टिविस्ट हैं ललित, आज POK का एक वीडियो सामने आया जिसको मोना मानने से इनकार कर रही है बिल्कुल, लेकिन वो वीडियो ये कहता है कि दूसरों को नसीहत देने वाले खुद मियां फजीहत हैं। मोना जी आपको मैं सुना बहुत बड़ी देर तक, मोना जी आप सुनिए, आप ललित बोल रहे फिर गौरव भाटिया और जीडी बख्शी, पहले बेली डांस हो रहा है कहां पे हो रहा है? आपके हजरत जो लीडरान है ना दुनिया भर में जहां जाते हैं हमारे यहाँ पे भी आते हैं और कलिमा पढ़ के अपना भाषण शुरू करते हैं, और ये है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कश्मीर के अंदर आपके टटपंजू ने, आपके जिहादियों ने हमारे सिनेमा हॉल बंद कर दिए और आप यहां पे दुनिया भर के लोगों को बुला रहे हैं अपना नाच गाना दिखा के, कहां की हिपोक्रेसी है ये?
मलाला को, मलाला को चलना पड़ता है, मलाला का 16 साल की मलाला अगर स्कार्फ उठाती है तो उसके स्कूल को उड़ा दिया जाता है। और आप कहती है कि आपका अपना मामला है, आप दुनिया भर में इस्लाम के ठेकेदार बन जाते हैं। हमारे यहाँ औरतों को कश्मीर के अंदर लड़कियों को बुरका पहना है क्योंकि आपकी तरफ से दिक्कत आता है, तो आप कह रहे हैं कि आप यहाँ ये आपका खोखलापन दिखाता है, आप नाचिए ऐश कीजिए नॉर्मल जिंदगी जीजिए, लेकिन दूसरों के ऊपर मत जोके कि आप इस्लाम के ठेकेदार हैं दुनिया भर के। दूसरा जो आप कश्मीर में कर रहे हैं, आपका जो मकबूजा आप पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर जो है वो पहली बार नहीं हो रहा है। आपको मालूम है गिलगित बल्तिस्तान में वहां के लोग, मैं बता रहा हूं आपको, वहां के लोग रात को जब खाना बनाते हैं 5-6 रोटियां 10 रोटियां ज्यादा बनाते हैं इस इंतजार में कि हिंदुस्तान की फौज आके उनको वहां पे लिबरेट करेगी, उनको आजादी दिलाएगी। ये आपका पाकिस्तान के अंदर जो आपके मकबूजा कश्मीर है, वह मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी रहा कहां, वहां तो सारे पंजाबी आ गए वहां पे, आपके पूरे पाकिस्तान के ठेकेदार बन जाते हैं। ठीक है मोना जी, ओके मान ली आपकी बात, मैं नुसरत अमीन का स्वागत कर दूं, वो आ गए हमारे साथ पाकिस्तान से, उनको आवाज आ रही है मैं उम्मीद करता हूं। नुसरत अमीन स्वागत है आपका भी बहस में। गौरव भाटिया और जी डी बख्शी भी हमारे साथ अब कनेक्ट हो चुके हैं। गौरव भाटिया, हम एक वीडियो दिखा रहे हैं जो भारतीय फौज ने आज जारी किया है और जो इस बात की तस्दीक करता है कैसे पाकिस्तानी फौजें सीमा पर आतंकवादियों को घुसपैठ करने में मदद करती हैं। दूसरा वीडियो हम दिखा रहे हैं पीओके का, जो ये बताता है कैसे पाकिस्तान की फौज पीओके में रहने वाले कश्मीरियों पर गोली चला देती। उसके बाद ये कहते हैं यूएनएचआरसी जा रहे हैं, मानवाधिकार की बात करना चाहते हैं, किस मुंह से? तस्वीरें सामने आई हैं, ये वो सच है जो दुनिया से छुपा नहीं है। ऐसे ही कोई पाकिस्तान को आतंकिस्तान नहीं बुलाता, ऐसे ही कोई इसको चिरकुट देश भिखारी देश नहीं बुलाता। और मैं समझता हूं ये बड़ा ही गंभीर है, लेकिन एक सच पाकिस्तान भी अब जान गया है कि ये वो नया भारत है जिसकी तरफ अगर बुरी नजर पाकिस्तान ने उठाई तो वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और आपने अभी एक शब्द कहा कि मोना आलम जी, जो बड़ी ही मुखरता से और ब्रेवली पाकिस्तान का पक्ष रखने की कोशिश कर रही है, कि पाकिस्तान की फजीहत क्यों कर रही है। रोहित जी, मैं ये कहूंगा कि फजीहत उसकी होती है जिसकी इज्जत हो, और पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं है ये हम लोग सब जानते हैं। सबसे अहम बात यह है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक जब हुई तब उस वक्त भी आप याद करिए इमरान खान ने क्या कहा था। इमरान खान ने कहा केवल और केवल पेड़ गिरे हैं। अभी 20 दिन पहले जब अनुच्छेद 370 को हमने हटाया तो इमरान खान का एक वीडियो आया और उसमें वो कह रहे हैं कि बालाकोट एयर स्ट्राइक से भी बड़ा कुछ होने जा रहा है। तो हम सब जानते हैं कि ये झूठ की बैसाखियों पर चलने वाला देश है। दूसरी बात, आप ध्यान करिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पाकिस्तान गया, क्या हाल हुआ वहां पे? सारे बड़े देश भारत के साथ खड़े हो गए कि ये भारत का अंदरूनी मामला है, जो स्टैंड हमारा भी है। और इसीलिए आज पाकिस्तान जब अलग थलग पड़ गया है तो वो कहीं अंडे फेंक रहा है हमारे हाई कमीशन में, यहां आतंकवादियों को घुसपैठ कराने की कर रहा है प्रयास। लेकिन जिस कन्वेंशनल वॉर और न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करने की बात करते थे वो अब आप देखिए गीदड़ भभकी नहीं दे रहा। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि ये नरेंद्र मोदी जी की मजबूत सरकार है, ये इमरान खान कठपुतली वाले प्रधानमंत्री नहीं है, ऐसा निर्णय लेने में सक्षम है जो देश के हित में हो। तीसरी बात, मोना आलम, इनका आलम आप देखिए, अभी बात कर रही थी कि दोनों देश डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र। ठीक, मोना जी से मैं इतना ही कहूंगा, हम लोग पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र है। आप इस्लामिक देश है और लोकतंत्र भी इसलिए नहीं है कि जो 70 साल आजादी के हुए उसमें 35 साल पाकिस्तान में कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप रही। और अंत में रोहित जी एक बात और, इमरान खान ने खुद अमेरिका में कहा है कि 40,000 आतंकी पाकिस्तान भूमि पे है, उस पे मोना आलम क्या कहेंगे? हमारे पास वीर सेना है, मैं आपकी बात से कमेंट लूंगा मोना आलम से, लेकिन उसके पहले दो गेस्ट मेरे बच्चे हैं जिनसे मैं कमेंट नहीं ले पाया हूं, नुसरत अमीन और जीडी बख्शी। जीडी बख्शी,
एक तरफ पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा यह है कि कश्मीर में हालात बहुत खराब हैं, वहां के लोग बड़े परेशान हैं, उनको बड़ी दिक्कतें हो रही, दूसरी तरफ पाकिस्तान के आतंकी संगठन कश्मीर में पोस्टर लगवा रहे हैं जगह जगह कि कोई अपने घर से बाहर ना निकले, कोई अपनी दुकान ना खोले, कोई अपनी गाड़ी ना चलाए। इसी में इनका डबल स्टैंडर्ड एक्सपोज नहीं हो जाता क्या? अगर लोग परेशान हैं तो इनको पोस्टर लगाने की क्या जरूरत है, फिर इनको लोगों को डराने की क्या जरूरत है कि घर से बाहर मत निकलो? रोहित, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने बड़ी उम्मीद गांठ रखी थी महबूबा मुफ्ती की गीदड़ भभकियों पर। बख्शी साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। 370 के पहले महबूबा मोहतरमा महबूबा मुफ्ती दहाड़ दहाड़ कर कह रही थी कि अगर 370 को हटाया गया तो कश्मीर में खून की नदियां बहनी शुरू हो जाएंगी। मेरी स्पीच जा रही है? जो कश्मीर में खून की नदियां बहनी शुरू हो जाएंगी, भारत की अर्थी को कोई कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 30 दिन में कश्मीर में इतनी शांति रही है जो पिछले 30 साल में कभी नहीं थी। ये सारी गीदड़ भभकियां धरी की धरी रह गई क्योंकि हमने पहली बार पर्याप्त मात्रा में फौज वहां पे, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पे भेजे हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। अब ये रहा जमहूरियत का सवाल, सौ चूहे खा के बिजली हज को चली। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहे जाते हैं। जनरल बाजवा साहब ने उन्हें चुनकर गद्दी पे बिठाया और उनसे फिर जो है कीमत वसूली के तौर पे 3 साल की एक्सटेंशन ले ली। अब वो खुश हो जाएं, अब मोना आलम भी है ये कड़वा सच जानती है, तो हमें जमहूरियत के भाषण ना दें प्लीज़। आप, मुझे बड़ा दुख होता है जब पाकिस्तान के आवाम को ये जमहूरियत से महरूम रखा जाता है। 30 साल फौज ने डायरेक्ट राज किया है और बाकी जो 40 साल हैं कठपुतलियां नचाई हैं इमरान खान जैसी। जहां तक सवाल है कि भाई हमने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट करी थी जम्मू कश्मीर में, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, दे एक्सेप्टेड द एक्सेशन ऑफ इंडिया। द एक्सेशन ऑफ इंडिया वॉज लीगल टेंडर। 568 स्टेट्स थी पूरे जम्मू कश्मीर पाकिस्तान सबको शामिल करके, जिनके राजाओं ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है एक्सरसाइज किया था, वो सब लीगल टेंडर एक्सेप्टेड था। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भी लीगल टेंडर एक्सरसाइज किया। कश्मीर इज लीगली एंड बाय ऑल अदर यार्डस्टिक्स अ पार्ट ऑफ इंडिया, इट इज नॉट ओपन टू क्वेश्चन। लिव विद 370, यू विल हैव टू लिव विद इट। आप अपने देश में अपनी ट्रेनें रोक दें, आप अपने देश में स्कूल से बच्चे निकाल के सड़कों पे खड़े कर दें, डू व्हाट यू वांट। अगर आपने सीमा के पार कुछ करने की हिमाकत करी, कुछ करने की जुर्रत करी, बालाकोट तो आपको याद है, इमरान खान साहब को अच्छी तरह याद है और वो कह रहे थे कि भारत बालाकोट से बड़ा हमला करेगा। इफ यू थिंक दैट द वॉर ऑफ 1000 कट्स विल गो ऑन अनरिस्पॉन्डेड, you have to think again, you got it seriously wrong। हम जानते हैं आप इन्फिल्ट्रेशन कराना शुरू कर रहे हैं, हम जानते हैं कि आप बड़े बेतावले हैं कि कुछ कत्लोगारत हो। अगर एक कतरा खून का इस तरफ गिरा, मोना जी प्लीज टेल योर पीपल, हम बच्चियों को नहीं धमकाते, बट प्लीज टेल योर पीपल, प्लीज टेल योर आर्मी, यू आर हेडिंग फॉर सीरियस ट्रबल। आपकी इकोनॉमी इज ऑन द पॉइंट ऑफ कोलैप्स। वन लिमिटेड वॉर मोना आलम, one limited war will collapse your economy forever and ever, think about it, okay, put it in your pipe and smoke it। ठीक, नुसरत अमीन से कमेंट लेना चाहते हैं लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया। नुसरत अमीन, चारों की बातें सुनने के बाद क्या कहना चाहते हैं? क्या वाकई पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है वो केवल अंदर खाने अपने लोगों को संतुष्ट करने के लिए कर रहा है, जबकि वो जानता है बाहर हकीकत कुछ और है? दुनिया में कोई भी मुल्क उसके साथ आकर कश्मीर के मामले पर अभी तक खड़ा होने को तैयार नहीं हुआ। ब्रेक के बाद आ रहे हैं, दंगल जारी है, आप देख रहे हैं। औरों को नसीहत, खुद में आप फजीहत। जी हाँ, पीओके की तस्वीरें ये बयां करती हैं पाकिस्तान अपने उस इलाके में क्या कर रहा है जिसे उसने कब्जा कर रखा है कश्मीर के, और दुनिया में वो UNHRC का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहा है ये बताने के लिए, ये जताने के लिए कि देखिए कश्मीर में क्या हो रहा है। नुसरत अमीन, स्वागत है आपका बहुत दिन के बाद एक बार फिर से चर्चा में।
चार लोगों को आपने सुना है, और मैं माफी चाहता हूं ब्रेक से पहले आपको ले नहीं पाए, आप अपनी बात रख सकते हैं। आप कोई स्पेसिफिक सवाल कर लें तो ज्यादा आसान होगा। मैंने दो लोगों को सुना है, मोना बीबी को और उसके बाद मैंने बख्शी साहब को सुना। जी, मेरे पास दो पॉइंट्स हैं पूछने के लिए। एक जी, कि एक तरफ पाकिस्तान कह रहा है यूएनएचआरसी में कश्मीर को लेकर हम इशू क्रिएट करना चाहते हैं, हम खड़े होना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं हिंदुस्तान क्या कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर से जो पीओके से वीडियो आ रहे हैं वो खुद पाकिस्तान के हरकतों को एक्सपोज कर रहे हैं, क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं कहा जाएगा? दूसरा, एफएटीएफ पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई को लेकर स्क्रूटनी करने वाली है, और पाकिस्तान जो पैसा जुटाने की कोशिश कर रहा है इन्वेस्टर समिट करके, उसमें बैले डांस हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर से इतनी आवाजें उठ रही हैं, इन सब चीजों को नजरअंदाज करके इमरान खान की सरकार क्या पाकिस्तानियों को यह कन्वे करने में जुटी हुई है कि देखो हम बड़ी एफर्ट्स डाल रहे हैं कश्मीर पे, इन सब चीजों पे ध्यान मत दो आप? देखें, एक रिक्वेस्ट तो मैं करूंगा कि ये बैली डांस वगैरह का जो बिलावजह का आर्गुमेंट हो रहा था वो भी बिलावजह बोल रही थी आप भी, क्यों उस पर इतना जोर दे रहे थे, तो इससे जरा सा मुझे दूर रखिएगा। डांस एक मुकद्दस आर्ट है और उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन वो किस लिए इस्तेमाल हो रहा है यकीनन ये सोचना पड़ता है, और तमाम आर्ट्स पे और तमाम स्किल्स पे ये चीज़ अप्लाई होती है, एक बात। दूसरे ये कि पाकिस्तान की इकॉनमी की जहाँ तक बात है और इमरान खान साहब का क्या कर रहे हैं, तो दुनिया को पता और इंटरनली भी पाकिस्तान में भी ये बड़ा सब कुछ लिखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि अब तक कोई ऐसा माइलस्टोन अचीव नहीं हुआ इकॉनमी के पर्सपेक्टिव में और डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में कि जिसके बारे में कहा जाए कि इमरान खान की हुकूमत ने कोई बड़ा तीर अब तक मारा है। हाँ, रिसेंटली लास्ट वीक कुछ ऐसी बातें सुनने में आई हैं जो पहली मरतबा मुझे सेंस कर रही हैं ज़ाती तौर पे, मिसाल के तौर पे कि वो लोकल इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बात कर रहे हैं, वो प्रोडक्टिविटी पे बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन पे और एक्सपोर्ट्स पे, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ ना कि वो कहाँ तक जाएगी। नंबर टू, जो आप कश्मीर की बात करते हैं, अनफॉर्चुनेटली जो जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं, गुफ्तगू के दौरान मैंने वो तलाश करने की कोशिश की तो या तो शायद वो वीडियो मुझे नहीं नज़र आ रही या गलत वीडियो नज़र आ रही है। तो देखें, उसके अंदर यही है कि पाकिस्तान में भी मैं भी आपको बताऊं, पाकिस्तान में भी मैं ऐसे बहुत से दोस्तों और बहुत से सर्कल्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं आपको पता है, बहुत सारे मैसेंजर ग्रुप्स हैं, तो हर एक से तो नहीं कह सकता, लेकिन जो लोग अपने होते हैं जो सुनते हैं आपकी बात, मैं डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ ज़ाती तौर पर, और मुझ जैसे बहुत से लोग के जो वीडियोज़ आ रही हैं कि जी जो कश्मीर के हवाले से कि जी वहाँ कर्फ्यू लगाया और वहाँ पर इतनी एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उसमें से मैंने देखा कि बहुत सारी पुरानी वीडियोज़ हैं जो बहुत पुरानी हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि दी ये फेक न्यूज़, हम इसके ऊपर पब्लिक सर्विसेज मैसेजेस भी बनाते रहे, मैं और मेरी टीम वो ऑन एयर भी होते रहे कि चाहे बॉर्डर के उस पार, चाहे बॉर्डर के इस पार या एल्सवेयर इन दिस वर्ल्ड, फेक न्यूज़ से बचना मेरा ख्याल है कि इस इंफॉर्मेशन एज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। तो अब वो जो इंडियन आर्मी ने दिखाई है, ज़ाहिर है इंडियन आर्मी के हाथ में कुछ लगा होगा, उन्होंने अगर इंडियन आर्मी उस वीडियो की ऑथर है यानी उसको रिलीज़ करने की अथॉरिटी है, तो मैं कुछ देख के ही बता सकता हूँ कि उसके अंदर क्या है। बाकी ये कि इन्फिल्ट्रेशन की जो बात है, देखें अगर इन्फिल्ट्रेशन का इरादा भी है पाकिस्तान का, स्टेट का या स्टेट एक्टर्स का, तो अब ये नामुमकिन है पाकिस्तान के लिए या किसी के लिए भी। अफगानिस्तान से यहाँ दाखिल होना काफ़ी मुमकिन है अभी, क्योंकि उसके पीछे काफ़ी ताकतें हैं, लेकिन और वो बॉर्डर भी बड़ा पोरस है, लेकिन ये बॉर्डर अब इस तरह पोरस नहीं रहा जिस तरह का पहले था। तो इंटेंशंस अपार्ट फ्रॉम द इंटेंशंस के स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर्स क्या चाह रहे हैं पाकिस्तान में, ये मुमकिन ही नहीं है। अगर आप कभी LOC का दौरा करें और अगर वहाँ से होके आए, मैं अभी रिसेंटली होके आया हूँ, ये मुमकिन नहीं है। बहुत दिन बाद हमारी आपकी आज टीवी पे बात हो रही है। एक तो आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आप इमरान खान के बहुत बड़े फ़ैन नहीं हैं, लेकिन नवाज साहब के हैं, और उसमें आपको नॉन स्टेट और स्टेट एक्टर्स वाला जो डिफरेंशिएशन है वो अभी तक उसमें कन्फ्यूजन बरकरार है। सरकार बदल गई है लेकिन कन्फ्यूजन नहीं बदला है। दूसरा जो चीज़ आपने कही ना कि ये बैली डांस, सर मुझे बैली डांस से कराने से कोई आपत्ति नहीं है आपके मुल्क के, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो मोना जी से भी कहा आप लोग चाहें तो अपनी सरकार से कहें इसको नेशनल डांस बना दें, लेकिन क्योंकि आपके यहां से ही आवाजें उठी, सोशल मीडिया पे उसका विरोध हो रहा है, तो हमने उस इशू को छुआ। हमें नहीं पता था इतना टची है, आप लोगों को इतना बुरा लग जाएगा। बहरहाल मैं गौरव भाटिया के पास जा रहा हूं, जो पॉइंट्स आपने रेज किए उसको लेके। गौरव भाटिया, जो बातें नुसरत ने कही हैं उसमें इस बात को याद रखना जरूरी है
कि वाकई ये लोग फेक न्यूज से बड़े पीड़ित हैं और इनके यहां तमाम लोगों ने जो वीडियोस निकाल के पोस्ट करने की कोशिश की वो कभी राजस्थान के, कभी मध्य प्रदेश के, कभी किसी और राज्य के, और ये कहा गया कि साहब कश्मीर से आ रहा वीडियो देखिए, तमाम नहीं बहुत, तो ये कैसे मान लें कि पीओके का वीडियो आया इनके यहां से? गौरव, उसके बाद बख्शी साहब आपके पास आ रहा। रोहित जी देखिए, मैं रोहित जी मैं नुसरत जी को बड़े ध्यान से सुन रहा था, एक बात जरूर कहूंगा नुसरत जी से, और रोहित जी वो ये है कि देखिए जिस तरह से ये निवेश लाने के लिए बेली डांसिंग कराते हैं उससे ज्यादा गंभीर और उससे ज्यादा कहीं ना कहीं चिंताजनक है जो इमरान खान बेली डांसिंग करते हैं मसूद अजहर के कहने पे। आज लोकतंत्र के परिचायक प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, लेकिन वो एक निर्णय नहीं ले सकते बिना इन आतंकवादी संगठनों से पूछे या सेना से पूछे, और मैं समझता हूं ये लोकतंत्र का मजाक उड़ाने जैसा ही है। दूसरी बात, मैंने मोना जी से एक प्रश्न किया कि क्या इमरान खान ने यह नहीं माना कि 40,000 आतंकवादी पाकिस्तानी भूमि पे है, यह तो आपके प्रधानमंत्री ने कहा, और हीना रब्बानी इनकी विदेश मंत्री खुद कहती है कि जब इमरान खान बोलते हैं तो पाकिस्तान का मजाक उड़ता है। पूरी जिम्मेदारी से रोहित जी मैं कह सकता हूं आज कि जम्मू एंड कश्मीर में विकास की धारा बहेगी जैसा नरेंद्र मोदी जी ने कहा, और ये बेली डांसिंग ही कराते रहेंगे। अभी इन्वेस्टर समिट होने जा रही है कश्मीर में, आप देखेंगे इतना निवेश आएगा जितना सालाना पाकिस्तान का बजट नहीं है। तीसरी बात, मानव अधिकारों की, अभी कुछ दिन पहले किस तरह से अल्पसंख्यकों के मूल अधिकारों का हनन होता है ये हमने देखा, जब एक सिख बहन हमारी, उसका जबरन धर्मांतरण कराया गया और उसकी शादी कराने के लिए उसे अगवा किया गया। तो मोना जी एक महिला है, मैं समझता हूं उन्हें कहीं ना कहीं इस पे कुछ टिप्पणी करनी चाहिए कि क्यों ऐसा है कि एक इस्लामिक मुल्क, एक आतंकवादी मुल्क, चिरकुट मुल्क, भिखारी मुल्क, जो अल्पसंख्यक है उनके जो मूल अधिकार है उसका हनन होता है और आंखें बंद करके धृतराष्ट्र बना रहता है। मोना जी को इस पे जरूर कोई टिप्पणी करनी चाहिए। मोना जी बोलिए, फिर मैं जीडी बख्शी से कमेंट लूंगा और ललित से। बोलिए मोना जी। गौरव साहब का मुझे पहले भी कम आवाज आ रही थी, अभी भी काफी कम आई है। मेरा ख्याल है उन्होंने सिर्फ, मैं जो कैच कर पाई हूँ, कि 40,000 टेररिस्ट का उन्होंने कहा है कि कोई इमरान खान साहब ने जो वॉशिंगटन डीसी में बयान दिया था। देखें इसमें तो अभी, और नुसरत साहब ने भी जो बात की थी, आपकी इजाजत से रोहित जी मैं सिर्फ इस बेली डांस वाले बात पे, आपने बड़ा क्लियर कर दिया कि आपने इसको क्यों अपने टॉपिक का आज एक कॉम्पोनेंट रखा था, मैं समझती हूँ, आई अंडरस्टैंड योर रीजन। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखें एक कल्चर और आर्ट्स में, मुझे आपको शायद हो सकता है बेले डांस बहुत बुरा लगे, अच्छा लगे, वो हमारी चॉइस है। अगर अजरबैजान लोग गए हैं, अजरबैजान और ये जो सेंट्रल एशियन वैसे भी स्टेट है वहां पर इस आर्ट को बड़ी अहमियत हासिल है, उन्होंने बतौर हॉस्पिटैलिटी जो पाकिस्तान से डेलीगेशन गया था उनको होस्ट करने के लिए बेले डांस, वो उनकी हॉस्पिटैलिटी, उनके कल्चर का हिस्सा है, तो हमें, मुझे नहीं लगता वी शुड लुक डाउन अपॉन दिस। अब जैसे मुजरा है, एक बहुत अच्छा क्लासिकल डांस का एक फॉर्म है, आर्ट है, लेकिन इसको आपको पता है बड़े गंदे मतलब मीनिंग्स में यूज किया जाता है। अरे मोना जी छोड़िए बेली डांसिंग का रोना, हमें जो इसमें डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए, जिनको नहीं आता वो गलत बात है, जो लोग इसका प्रचार कर रहे हैं सोशल मीडिया पे वो भी बड़ा गलत कर रहे हैं। एक मैंने सुना था जनरल साहब ने हमारे बात कर रही है, समझदार पत्रकार है, 40,000 आतंकवादी, सोचिए आप क्या साइंटिस्ट 40 नहीं है, और 40,000 आतंकवादी क्या होगा इस देश का, जम्मू कश्मीर में पहले भी नहीं हुआ। तो जनरल साहब मेरी आपसे गुजारिश है कि पहला तो उन्होंने कहा सिविलाइज्ड दुनिया में ऐसा नहीं होता कि आप चलने फिरने की, घर से बाहर निकलने की पाबंदी हो, फिर भी आप डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी और जमहूरियत के आप चैंपियंस बन जाएं, ओके दिस इज नॉट डन। ओके जीडी बख्शी साहब, आपने तो सुन लिया मोना की पूरी बात को, बेली डांस को ठीक है उन्होंने जस्टिफाई कर दिया, हम छोड़ देते हैं उसको, उनके जस्टिफिकेशन को स्वीकार करते हुए हम छोड़ देते हैं कि ठीक है वो राष्ट्रीय उत्सव बनाना चाहते हैं बेली डांस से, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो बात वो कह रही है कि लोग घरों में बंद है तो आप कैसे जमहूरियत कह रहे हैं, उसको उस पर जवाब देना चाहेंगे, बोल लीजिए, उसके बाद ललित आप बोलिएगा। बोलिए देखिए साहब, वहां पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई असेंबली पे इसलिए कि जो वायलेंस
पाकिस्तान के पेड़ पत्थरबाज वहां पे कर रहे थे, आए दिन लोगों के सर फोड़े जा रहे थे, लोगों की जान ली जा रही थी, वहां पे लोग कैलेंडर इशू कर रहे, जब टूरिस्ट सीजन शुरू होता था स्कूल जलाने के कैलेंडर, हड़ताल के कैलेंडर, पत्थरबाजी के कैलेंडर। अब ऐसे कैलेंडरों को रोकने के लिए देयर वाज सम नीड फॉर पुटिंग रिस्ट्रिक्शन। इट इज बेटर दैट पीपल आर सेफ देन डेड एंड द विक्टिम्स ऑफ स्टोन पेल्टिंग। आई थिंक मोना दैट हैज बीन अचीव्ड, इट वाज फॉर द गुड ऑफ द पीपल, दे हैव अप्रिशिएटेड, दे आर वेरी हैप्पी दिस वे। और बेटा बेटा मैं आप पे नहीं चिल्लाऊंगा। मैं आपको बता रहा था कि वहां पे जो है लास्ट 30 ईयर्स में मेरी आधी से ज्यादा सर्विस जम्मू कश्मीर में गुजरी है। मैं जम्मू की पैदाइश हूँ बेटा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 30 दिनों में वहाँ इतनी शांति, इतना सुकून रहा है जितना पिछले 30 साल में कभी नहीं हुआ। टेररिस्ट को जो फ्री रन मिल रहा था, पत्थरबाजों को जो फ्री रन मिल रहा था, ISIS के झंडे दिखाने वालों को जो फ्री रन मिल रहा था, जो हमारी बच्चियों के, कश्मीरी बच्चियों के मुंह पे तेजाब डाल रहे थे कि उन्होंने बुरका नहीं डाला, उनको फ्री रन मिल रहा था, वो खत्म हो चुका है। वी हैव पुट एन एंड टू दैट नॉनसेंस। द पीपल विल बी केप्ट सेफ एंड सिक्योर, द सेफ्टी ऑफ द पीपल इज पैरामाउंट। अगर उसके लिए थोड़ी देर हमको और बढ़ाना पड़े कर्फ्यू, वी विल डू इट, वी विल डू इट टू कीप द पीपल सेफ, टू कीप द पीपल फ्री from getting their heads busted by stone pelters, paid stone pelters. अब मैं एक चीज बड़ी जरूरी आपके जरिए आपके मुल्क वालों को बताना चाहता हूँ। 5 दिन पहले आपके DGISI ने पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि हम जो है अभी अमेरिका अफगानिस्तान से विड्रॉ कर जाएगा और जो 2 कोर हमारे वहाँ पे हैं 11 एंड 12 कोर वो फ्री हो जाएंगे, हम भारत के खिलाफ लगाएंगे, हम कश्मीर को छीनेंगे, इत्यादि इत्यादि। मैं प्लीज़ आपको समझा दूँ आपके ज़रिए, आप प्लीज़ ये मैसेज कन्वे कर दीजिए। इफ़ यू थिंक दैट इंडिया विल स्टैंड बाई एंड वॉच वाइल यू डिसमेंटल अ फ्रेंडली कंट्री कॉल्ड अफगानिस्तान, इट विल नॉट हैपन। If you think India will stand and watch as you, जैसे कि आप इंटरफियर करते हैं हमारे कश्मीर में, it will not happen. If you, आपको the warning shot has been fired across the board in Balakot. अगर आप सीमा के पार आपकी फौज कुछ भी करती है, there will be heavy costs and consequences. And as you are aware, but Donald Trump ने आज तालिबान से बातचीत बंद कर दी, डोनाल्ड ट्रंप ने आज तालिबान से बातचीत बंद कर रही है। आपके जनरल बाजवा साहब का जो सर सातवें आसमान पे चढ़ रहा था, दैट ही इज गॉड्स गिफ्ट टू मैनकाइंड, आई थिंक ही विल हैव टू थिंक अगेन एंड कम डाउन टू मदर अर्थ। दुनिया भर के अलग अलग मंचों पर पूरी तरह से बेनकाब होने के बाद भी, पूरी तरह से अलग थलग हो जाने के बाद भी, पाकिस्तान को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? समय खत्म हो गया ललित जी, उसके बावजूद 20 सेकंड दे पाऊंगा, केवल 20। कहना चाहता हूं जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है, ये कोई स्टेट एक्टर्स नॉन स्टेट एक्टर्स की बात नहीं है। आपकी जो रिप्रेजेंटेटिव यूएनओ में मलेहा लोडी ने वो जो पैलेस्टीनियन के थे गाजा में, उनकी फोटो छाप के बोल दिया कि कश्मीर में ये पैलेट अटैक हुआ है। दूसरा अब्दुल बसित आपके जो हाई कमिश्नर यहां से होके गए, उन्होंने कुछ दिन पहले एक पोर्न स्टार, ब्लू फिल्म स्टार, उसकी फोटो छाप दिए, बोले कि ये कश्मीर के अंदर हिंदुस्तानी फौजियों की ज्यादती का शिकार है। ये आपका प्रोपेगेंडा आपके यहां से निकलता है। इसीलिए ललित जी, इसीलिए हम बार बार ये कहते हैं कि दुनिया भर में पजियत कराने के बावजूद पाकिस्तान को ये बात समझ में क्यों नहीं आती? बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। एक छोटा सा ब्रेक लेने, दंगल आखिरी पड़ाव पर होगा, आप देख रहे आज तक। तो दंगल आप देख रहे थे आखिरी पड़ाव पर, आपको केवल इतना बताते चले कि दंगल आप अपने मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। डाउनलोड कर लीजिए हमारा मोबाइल ऐप या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट aajtak.in। वैसे दंगल हर शाम 5 बजे फेसबुक पर भी लाइव उपलब्ध है। ठीक 6 बजे हल्ला बोल अंजना के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक,
और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।